एक समय हमारे यहाँ एक व्यक्ति है जो कि भक्त बने, तो कैसे बने, प्रसाद से ही भक्त बने। वो कैसे बने, असल में ना उनके ना टेस्ट बर्ड्स काम नहीं करते थे। अब टेस्ट बर्ड्स काम नहीं करते थे तो आए भगवान के पास, भगवान से प्रार्थना की, राधा पार्थ सारथी से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, टेस्ट बर्ड्स ही काम नहीं कर रहे, ना मीठा मीठा लगता है, ना खट्टा खट्टा लगता है, ना नमकीन नमकीन लगता है, प्रभु ये कोई जिंदगी है हमारी, प्रभु कुछ तो कृपा करो प्रभु। तो नीचे आए, नीचे आके प्रसाद पाना शुरू किया, प्रसाद पाया, वो वहाँ मीठा मीठा लगा, नमकीन नमकीन लगा, खट्टा खट्टा लगा, अरे वाह, अरे प्रभु तो बहुत दयालु है, वो दयालु है भैया, हमारी जीवा काम कर रही है, अरे वाह वाह वाह। तुरंत भागा डोमिनोज, डोमिनोज जाके वहाँ पिज्जा पाया, जैसे ही पिज्जा पाया, ना मीठा मीठा लगा, नमकीन नमकीन लगा, ना खट्टा खट्टा लगा, गया लो जी, भगवान ने सुनी थी, फिर अनसुनी कर दी। तो फिर आया अगले दिन, फिर मंदिर आया, फिर प्रार्थना की, हे प्रभु दया दिखाई थी, दया वापस ले लिया आपने, प्रभु क्या करते हो प्रभु, कृपा करो ना प्रभु। फिर नीचे आया, नीचे आके प्रसाद पाया, प्रसाद पाया, फिर नमकीन नमकीन लगा, खट्टा खट्टा लगा, मीठा मीठा लगा, कहते अरे वाह, प्रभु ने फिर सुन लिया हमारी है। फिर भागा उसका पिज्जा हट, भागा के भाई वहाँ का पिज्जा खाएंगे हम, पिज्जा खाया उसने, पिज्जा खाया, बाकी चीज़ें ऑर्डर की, जैसे खा रहा था चीज़ें, ना नमकीन नमकीन लगी, ना खट्टा खट्टा लगा, ना मीठा मीठा लगा, कहता लो ये प्रभु करते क्या है यार, सुनते हैं फिर अनसुनी कर देते हैं। फिर उसने गौर किया, मैं जब मंदिर में प्रसाद पाता हूँ ना, तो वहाँ खट्टा खट्टा लगता है, मीठा मीठा लगता है, नमकीन नमकीन लगता है, लेकिन जो मैं बाकी किसी भी जगह पर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, तो ना नमकीन नमकीन लगता है, ना खट्टा खट्टा लगता है, ना मीठा मीठा लगता है, ये चक्कर क्या है भाई। तो मंदिर आया, मंदिर के भक्तों से पूछा, कहते भाई आप लोग कौन से मसाले इस्तेमाल करते हैं जी कुकिंग में, तो भक्तों ने बताया जी हमारे मसाले भी सेम ही हैं जो कि बाकी लोग मसाले इस्तेमाल करते हैं, हम भी वही मसाले इस्तेमाल करते हैं। कहते अच्छा, तो ये मतलब ऐसा क्यों भाई, मेरे को यहाँ मीठा मीठा लगता है, खट्टा खट्टा दिस इज दैट, ऐसे कैसे। तो भक्त ने बताया जी वैसे हमारा सब कुछ सेम ही है, बाहर भी कुकिंग होती है, यहाँ भी कुकिंग होती है, लेकिन हमारा प्योर वेजिटेरियन है, विदाउट अनियन गार्लिक, और हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगाते हैं, उसके बाद व्यक्ति का प्रसाद में इतना विश्वास हो गया दैट ही स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र की वाकई में भगवान है और भगवान भोग स्वीकार करते हैं। यस वाओ, लॉर्ड कैन गिव अस हिज मर्सी इन द फॉर्म ऑफ फूड। जब खाने के अंदर भगवान की कृपा मिल जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है, जब भगवान की कृपा, जब पानी मिल जाती है तो चरणामृत बन जाता है, अगर भगवान की कृपा, अगर गाने मिल जाती है तो वो कीर्तन बन जाता है, अगर भगवान की कृपा बातचीत में मिल जाती है तो वो कथा बन जाती है। वाओ, तो भगवान मतलब जहां भी जाएंगे वहां पर तो कृपा भरी देंगे। तो दैट मीन्स जब हम खाना भी खाते हैं, उसको जब हम भोग लगाते हैं तुलसी पत्र के साथ, भगवान उसको स्वीकार करके जो हमें देते हैं, दैट इज एक्चुअली मर्सी, दैट इज एक्चुअली प्रसाद। इसलिए हमको भोग लगाना चाहिए भगवान को और पाना चाहिए। पिछले युगों में इट वॉज नेचुरल कि हम जो भी खाएंगे उसको भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे, लेकिन अभी कलयुग आया है, कलयुग में भाई भगवान की तो इनकी चिंता है नहीं, भगवान को भी बल्कि मानते भी नहीं है, पता नहीं है नहीं है, खाता है सोता है, ये तो हमें वो तो दूर की बात है, पता नहीं वो है नहीं है, ये डाउट है लोगों को। वेल ऑफ कोर्स द लॉर्ड इज देयर, भगवान निश्चित रूप से हैं और भगवान हमें कृपा देते हैं इन अ वेरी एक्सेसिबल वे, इन अ वेरी डिलीशियस वे, दैट इज प्रसाद। यूजली प्रसाद का कंसेप्शन ये कि अच्छा बूंदी दिखा दो बस वही हो गया जी, ना 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 ना, एक्चुअली जो भी हम खाते हैं हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो अगर आप सब्जी खाते हैं, पास्ता खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, समोसे खाते हैं, साउथ इंडियन खाते हैं, नॉर्थ इंडियन खाते हैं, कॉन्टिनेंटल खाते हैं, जो भी खाते हैं, इट शुड बी प्योर वेजिटेरियन विदाउट एनी गार्लिक विद तुलसी पत्र, यू कैन ऑफर टू द लॉर्ड एंड यू कैन हैव इट एंड यू गेट प्रसाद, यू गेट मर्सी। अब चलते हैं।